व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो हो चुकी है चंद्रशेखर जी का, और वह बोल रहे हैं तो हमको पता है, उनको बोलकर अपने प्रधान, अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने इस सूबे के प्रधान को, यानी कि सूबे के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को, और इस सूबे के उप प्रधान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, रामायण को कह रहे हैं कि इसमें बहुत बकवास की बातें हैं। तो किसी भी धर्म का, हम लोग सर्व धर्म सब बात की बात है, किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को अनादर नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान के विचार और हिंदुस्तान के DNA में तो राम और कृष्ण है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, वाल्मीकि जी कौन है क्या उनको पता नहीं है, और प्रथम रचयिता वाल्मीकि हैं। तत्पश्चात कई इस देश की भाषाओं में कई विद्वानों ने रामायण को लिखा है, और आज गांव-गांव में राम की कथा होती है। राम जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम गीत गाते हैं, राम ऐलन हमारा घनमा हो राम। बिटिया जन्म लेती है तो कहते हैं सीता ऐलन हमारा अघनमा हो राम। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि इस देश में भगवान श्री राम ने एक मर्यादा स्थापित की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को एक सफल बनाने के लिए कर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। तो जहाँ इस जिस देश के विचार और DNA में राम और कृष्ण है, आप उदाहरण देखिए राम के तपस्वी जीवन, आप उदाहरण देखिए कि भगवान श्री राम की गहरी मित्रता, यानी कि सबसे ज्यादा मित्रता जिनसे थी और निषाद रास्ते माँ सेवड़ी का जूठा बैर खाकर उन्होंने क्या मर्यादा की स्थापना की है, देखिए जरा, सोचना चाहिए चंद्रशेखर जी या मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री RJD और जदयू के लोगों क्या है वह, या इस देश की मूल भावना संस्कृति और सनातन का प्रतिबिंब है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सम्मान मिलता है, किस प्रकार की यहाँ समानता है। समानता और सम्मान का उदाहरण है, और कौन नहीं जानता है भगवान कृष्ण और सुदामा की उस दोस्ती को, नहीं समझ पाएंगे जिनका मन कठोर हो चुका है, जिनको भारत की संस्कृति से विश्वास उठ चुका है, जो राजनीति के लिए तुष्टिकरण करते हैं, वोट के लिए तुष्टिकरण करते हैं और रामायण को गाली देते हैं। भारत के विचारों में और भारत के DNA में भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण। ऐसे मंत्री को पद पर रहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पद सुनिए ना, RJD वाले जदयू वाले का उदाहरण है, यही पहला व्यक्ति नहीं है जो नहीं बोले हैं। पहले भी इतिहास उठा के देखिए कितने लोगों ने बोल चुके हैं, कितने रामायण और कितना यहाँ की संस्कृति सनातन को लोगों ने गालियाँ दी है। अब कुछ भी कह रहे, वह एक वो भी राजनीति में और जब इस बिहार में बिहार के लोगों ने और देश के लोगों ने जब समझ लिया कि यह चंद्रशेखर जी नहीं है, एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो अधर्मी हो गया है, वह बोला है, अब कुछ बोलने, वह बिहार के लोगों ने देश के लोगों ने उनको अधर्मी मान लिया है, अधर्मी घोषित कर दिया है, बुद्धि भ्रष्ट वाला इंसान घोषित कर दिया है। डिग्री से कोई बुद्धि होता है किसी को? बुद्धि भ्रष्ट चंद्रशेखर जी, अधर्मी चंद्रशेखर जी को, या मैं कहता हूँ कि आपने जो अनर्थ किया है हिंदुओं को और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को अपमान कर, यह क्षमा योग्य नहीं है। नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।